गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फैंटास्टिक। आई प्रियंका, वेलकम टू ऑल ऑन ऑनलाइन साइंस क्लास एट होम। टुडे वी आर गोइंग टू कवर डे 5 ऑफ चैप्टर 5 एंड व्हाट इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इन आवर प्रीवियस क्लासेस वी हैव डिस्कस्ड मेन इंपॉर्टेंट टू टॉपिक्स, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन किसी भी मीडियम में होता है, बट ऑस्मोसिस ओनली एंड ओनली इन द लिक्विड्स। नाउ टुडे वी विल डिस्कस द मूवमेंट ऑफ वाटर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, यानी कि अलग अलग टाइप के हमारे जो सॉल्यूशंस होते हैं उनमें जो वाटर का जो मूवमेंट है वो कहां से कहां तक होता है, कैसे होता है। अंडरस्टैंड, कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू टाइप्स ऑफ रेजिंस और टू टाइप्स ऑफ ग्राम्स? लाइक एक को मैं करती हूँ, एक को मैं भिगो देती हूँ, अंडरस्टैंड, और एक को मैं ड्राई रखती हूँ, मीन्स ओनली सीड पार्ट आई हैव। देन कैन यू टेल मी द डिफरेंस? आई एम शोइंग यू, यू कैन सी इन माई हैंड द ग्राम सीड्स, ओके, एंड वन आई हैव इन द ग्लास। यू कैन सी द साइज ऑफ द ग्राम। आई एम जस्ट शोइंग यू, यू कैन सी द साइज ऑफ द ग्राम सीड, ओके। एंड आई एम गिविंग यू वन मोर एग्जाम्पल, दैट इज ग्रीन ग्राम, ओके, जो हमारी मूंग की दाल होती ना वो। नाउ आई एम शोइंग यू ग्रीन ग्राम, यू कैन सी द साइज ऑफ ग्रीन ग्राम। एंड नाउ आई एम शोइंग यू सॉक्ड ग्रीन ग्राम, यू कैन सी हियर, जस्ट वेट, यू कैन सी द साइज ऑफ ग्रीन ग्राम। एंड नाउ यू कैन सी द रेजिंस कैसी है, बिल्कुल सूखी सूखी, श्रिंक्ड है ना, बिल्कुल सूखी सूखी है, ड्राई सी है। एंड यू कैन सी अगेन द साइज ऑफ ड्राई ग्राम, एंड यू कैन सी द साइज ऑफ सॉक्ड ग्राम। अंडरस्टैंड, नाउ यू कैन टेल मी द डिफरेंस बिटवीन द ड्राइड ग्राम और जो हमारा सॉक्ड जो ग्राम है उसके बीच में। यस, वॉटर एंटर्स इन इट। जब आप इसको खाते हो स्प्राउट्स की फॉर्म में, जब आप इसको खाते हो, क्या आप इसको खा सकते हो? नो, यू कांट ईट, लेकिन इसको खा सकते हैं। ये बिल्कुल सॉफ्ट भी हो जाता है क्योंकि वॉटर एंटर्स इन इट और इसका साइज भी बढ़ जाता है, अंडरस्टैंड, और सॉफ्ट हो जाता है, आप इसको इजीली खा सकते हो। तो व्हाट इज द डिफरेंस? यस, जो हमारा सॉक्ड जो सीड है उसके अंदर वॉटर एंटर कर जाता है, अंडरस्टैंड। नाउ कैन यू टेल मी जो श्रिंक्ड है, यानी कि उसके अंदर वॉटर है या नहीं है? यस, इट डजंट कंटेन वॉटर। नाउ कैन यू टेल मी इन विच डायरेक्शन वॉटर एंटर्स? जैसे सपोज आई एम टेकिंग अ ग्लास ऑफ वॉटर एंड आफ्टर दैट आई एम पुटिंग सम ग्राम सीड्स और रेजिंस in it, then after that water enters inside it, है ना? Water इसके अंदर enter कर गया ना, तो जिसकी वजह से इसका जो size है वो बढ़ गया, got it? Now, तो it means जो raisins है, जो हमारा gram है, जो हमारा मूंग है, that acts as a cell, understand? और जो water है, that acts as a solution. Now, जो cell है उसके अंदर वाटर का कंसंट्रेशन नहीं है, मींस बिल्कुल लो कंसंट्रेशन भी आपका हो सकता है लेकिन इसके अंदर नहीं है, तो इट मींस जो वाटर है दैट एंटर्स इनटू द सेल और जिसकी वजह से जो इसका जो साइज है वो बढ़ जाता है, स्वेल अप हो जाता है। अब जैसे घर में आप मम्मी छोले बनाती है, चने बनाती है, राजमा बनाती है, सबको भिगोती है, जब भिगोती है तब तो वो बिल्कुल ड्राई होती है भिगोने से पहले, ओके, और जब भिगोने के बाद उनका साइज बहुत बढ़ जाता है ना, तो इट मींस व्हाट इज दैट? दैट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। व्हाट? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन।
होता है वाटर कंसंट्रेशन कम होता है और बाहर ज्यादा होता है वाटर का कंसंट्रेशन, तो जो वाटर है वो एंटर कर जाता है और इस प्रोसेस को हम एंडोस्मोसिस भी बोलते हैं। गॉट इट? अंडरस्टैंड? तो इट मींस इट वाज द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, यानी कि इसमें भी जो वाटर है वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव किया है इनसाइड द सेल। नाउ नेक्स्ट सॉल्यूशन मींस सपोज आई एम टेकिंग अनदर सेल लाइक आरबीसी, आई एम टेकिंग आरबीसी और आरबीसी के अंदर वाटर का अमाउंट ज्यादा है, इट हैज वाटर मोर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड आई एम पुटिंग इट इनटू द सॉल्ट सॉल्यूशन और ये सॉल्ट सॉल्यूशन हमारा कैसा कंसंट्रेटेड है, अंडरस्टैंड? यानी कि इसमें सॉल्ट का अमाउंट ज्यादा है और वाटर का अमाउंट हमारा कम है, वाटर इन लेस अमाउंट एंड सॉल्ट इन मोर अमाउंट। तो व्हाट हैपन विद द आरबीसी, आरबीसी के साथ क्या होगा, आरबीसी साइज डिक्रीज, छोटा हो जाएगा, बिल्कुल श्रिंक हो जाएगी, इट विल श्रिंक। व्हाई इट विल श्रिंक? क्योंकि इसका जो खुद का जो वाटर है वो क्या होगा, वो बाहर की तरफ आ जाएगा। तो इट मींस व्हाट इट इज एक्सोस्मोसिस, वाटर का बाहर निकलना, क्योंकि अब हमने क्या पढ़ा था ऑस्मोसिस में क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन वाटर जाता है, तो हाई कंसंट्रेशन अब हमारा आरबीसी में था और लो कंसंट्रेशन हमारा किस में है, सॉल्यूशन के अंदर। तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन होता है दैट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। गॉट इट? नाउ ये डाइल्यूट होता है, डाइल्यूट यानी कि इट मींस जिसके अंदर हमारा जो सॉल्ट है या शुगर है उसका अमाउंट कम हो, सॉल्ट एंड शुगर इन लेस अमाउंट बट वाटर इन मोर अमाउंट, तो व्हाट इट इज, दैट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। नाउ वन मोर थिंग, अब जैसे आप घर में वाटरमेलन वगैरह लाते हो या फिर खरबूजा वगैरह लाते हो, मेलन लाते हो, तो हम उसको वाटर के अंदर डाल देते हैं, तो इट मींस जब वाटर का कंसंट्रेशन बाहर और अंदर सेम होता है तो क्या होता है, तो उसके अंदर आप जैसे सपोज आपने वाटरमेलन ही रख दिया इसके अंदर, तो वाटरमेलन के अंदर भी वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, और इसके अंदर भी वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा, यानी कि दोनों में ही बराबर पानी है, तो क्या होगा, जो सेल है उसका साइज बिल्कुल सेम रहेगा, सेल विल बी इन सेम साइज। लेकिन अगर हाइपोटोनिक आपका सॉल्यूशन होता तो उसमें सेल का साइज बढ़ जाता है, हाइपरटोनिक में सेल का साइज घट जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो हमारा सॉल्यूशन है, आइसो का मतलब होता सेम, अंडरस्टैंड, आइसोटोनिक यानी कि सेम कंसंट्रेशन, कहां, इन द सेल एज वेल एज इन द सॉल्यूशन, दोनों के अंदर जब हमारा कंसंट्रेशन सेम होता है वाटर का, अंडरस्टैंड, तो जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, तो इट मींस उसके अंदर चेंज तो कुछ भी नहीं होगा ना, वाटर जितना बाहर गया उतना ही अंदर फिर से आ जाएगा, तो व्हाट इज दैट, दैट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ आई एम टेलिंग यू मेन डिफरेंस बिटवीन द हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज हायर इन द सॉल्यूशन देन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन द सेल एंड वाटर मूव्स इनसाइड द सेल, किसके अंदर, इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर वाटर मूव्स इनसाइड द सेल एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज हायर इन द सेल, ओके, बट लोअर इन द सॉल्यूशन, वाटर की कंसंट्रेशन लोअर कहां होती है, सॉल्यूशन के अंदर, तो इट मींस जो वाटर है वो मूव्स आउटसाइड द सेल, जिसकी वजह से जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगी, ओके, तो हाइपरटोनिक में हमेशा हमारी सेल श्रिंक हो जाती है और हाइपरटोनिक में, हाइपरटोनिक में श्रिंक, हाइपोटोनिक में स्वेल अप, साइज बड़ा हो जाता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन एज वेल एज इन द सेल इज इक्वल, अंडरस्टैंड, एंड देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ
वॉटर, यानी कि इसमें नेट मूवमेंट होगी नहीं, जितना बाहर जाएगा उतना ही अंदर फिर से आ जाएगा, तो क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो इट मीन्स जो सेल का साइज है वो इक्वल ही रहेगा एंड द सेल डजंट श्रिंक और डजंट स्वेल अप, तो इट मीन्स नो चेंज इन द शेप। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। नाउ ओके, बाय, हैप्पी लर्निंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।